सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आजकल मैं स्वयं में और बच्चों में दोनों में ही कंसंट्रेशन बहुत कमी महसूस करता हूँ। सर क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है? और सर आजकल बहुत जोर शोर चल रहा है कि मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ाई जा सकती है, क्या वास्तव में ये बात सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आज की डेट में। और मैं खुद इस क्वेश्चन का बहुत अधिक सामना कई बार कर चुका हूँ, बिकॉज आई वॉज अ फिजिक्स लेक्चरर। मैं खुद एक फिजिक्स लेक्चरर रहा हूँ और मेरे सामने भी ये सवाल बहुत बार आता था। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते थे और आकर के वो कहते थे, सर हमारी कॉन्सेंट्रेशन बड़ी वीक है, हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन ठीक कैसे करें, हमारा ध्यान नहीं लगता है पढ़ाई में। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते थे, पीटीएम के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स आकर के मुझसे यही सवाल पूछते थे, हमारे बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है। इवन देन मैं सारे प्रोफेशनल से भी मिलता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, और वहां पर मुझे वो बोलते हैं कि हमारा अपने काम में मन नहीं लगता है, बहुत बार हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल मुझे पूरी सोसाइटी में आज सुनने के लिए मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से काउंसलर के रूप में काम कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम्स मेरे पास बच्चों को लेकर के भी आज की डेट में आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने एक इतना अच्छा सवाल पूछा और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के साथ इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर सकूं। तो मैं पहली बात आपसे कहना चाहूंगा, आज आपको मैं एक सबसे पहली खुशखबरी देना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर। मैं दो अनुभव आपके सामने रखूंगा। पहला अनुभव अपनी एजुकेशन का अनुभव, जब मैंने खुद की पढ़ाई की, मैंने खुद एक IIT के लिए प्रिपरेशन किया, उसे क्वालिफाई किया, और सबसे बड़ी बात मैंने 14 साल तक एज ए फिजिक्स लेक्चरर के रूप में काम किया है, बच्चों के बीच काम किया है, और मैंने इस एकाग्रता के खेल को बहुत करीब से देखा है। उसके अलावा मैं खुद 27 साल से एक मेडिटेटर हूँ, 27 साल से मैं राजयोग का अभ्यास करता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जाकर के वहाँ पर मैंने इसको सीखा। तो मैं दोनों चीजों के विषय में अपने विचार आप सामने रखूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरीके से सही चीजें आपको बताऊंगा, आप खुद एनालाइज कीजिएगा, बट हाँ मैंने जो चीजें अपने जीवन में प्रयोग की हैं और उनका फायदा मैंने अपने जीवन के अंदर लिया है, वो अनुभव आप साथ शेयर करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है जैसे उन्होंने मुझे लाभ पहुंचाया है, आपको भी लाभ पहुंचाएंगे। पहली चीज तो यह है दोस्त कि कॉन्सेंट्रेशन कभी भी किसी की कम और ज्यादा नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा मिथ ही ये है, लोग सोचते हैं मेरी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन मेरी इतने परसेंट है, मेरी उतने परसेंट है। आज मैं आपको सबसे पहली खुशखबरी दे देता हूँ, आपकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है। और इस बात का पता आपको मेरी इस बात से लगेगा, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा जिसके बाद आप खुद इस बात को समझ जाएंगे। दोस्त आप खुद बताइए मुझे कि जब भी आप कभी अपनी पसंद का काम करते हो, जो आपको बहुत पसंद है, जिसमें आपको मजा आ रहा होता है, इंटरेस्ट है जिसमें आपका, क्या कभी आपका मन भटका है? नहीं। अब आप अपने आप से पूछिए, इसका मतलब प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन में है या प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है? तो कॉन्सेंट्रेशन का काम तो क्या था, मन का काम था लगना, तो मन तो अपनी जगह पे लगा हुआ है, लेकिन सवाल क्या चीज है कि मन कहां लगा हुआ है, मेरे इंटरेस्ट कहां पर है? देखिए ये बात जब आप सोच लेंगे अपने आप में, तो आपको अपनी बात का जवाब मिलेगा। जैसे आप एक बच्चे को देखो, आप अगर उसे गेम में इंटरेस्ट आता है, जिस गेम में इंटरेस्ट आता है वो कितनी भी देर तक वो गेम खेलता रह सकता है, कितनी भी देर तक, भूख प्यास भी लगती उसको, उसे घर भी याद नहीं आता है, वो इतना एकाग्र हो जाता है। एक व्यक्ति जिसको मूवी बहुत पसंद होती है, वो कितनी कितनी देर तक 3-3 घंटे की मूवी देखता रहता है, पूरी कहानी याद हो जाती है। कुछ लोग गाने सुनने के बाद में पूरे गाने याद हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम कहां पे चल रही है? प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में है। सो इंप्रूव किसको करना था, हमको, इंटरेस्ट को, और हम इंप्रूव किसे करने चले गए, कॉन्सेंट्रेशन को। तो मैं आपको पहली बात आपकी दुविधा दूर कर देता हूं, ना आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ना ही किसी बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सबकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है, बस उनकी कॉन्सेंट्रेशन उनके इंटरेस्ट का पीछा करती है, इंटरेस्ट अलग अलग हैं। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये बात सवाल आता है तो फिर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, शायद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि इंटरेस्ट जो है वो कैसे फिर ठीक किए जाए। तो इंटरेस्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा, इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, दो से ज्यादा प्रकार के इंटरेस्ट होते ही नहीं है। एक इंटरेस्ट होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर में होते हैं, एक इंटरेस्ट होते हैं जो लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस में होते हैं। आपको ये चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट पल भर के एंटरटेनमेंट में जा रहा है या आपका इंटरेस्ट जीवन को बनाने में जा रहा है। आप पूरे जीवन भर की खुशियां क्रिएट करना चाहते हैं या आप केवल पल भर की चीजें चाहते हैं, यह आपको सोचना होगा। और इंटरेस्ट के आधार पर डेवलप होते हैं। इंटरेस्ट का जो बेस होता है वो जानकारियां होती हैं। हम जैसी जानकारियां कलेक्ट करते चले जाते हैं, एक्चुअली हमारा व्यक्तित्व, हमारे इंटरेस्ट वैसे ही बनते चले जाते हैं। इंफॉर्मेशन, हमारा इंटरेस्ट शो करता है हमारे एटीट्यूड को, हमारा एटीट्यूड क्या है उस बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारा इंटरेस्ट हमारे माइंडसेट को शो करता है।
हमारा इंटरेस्ट हमारे एम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, यदि मेरे इंटरेस्ट गलत चीजों में डेवलप हो गए तो वो मुझे मेरे एम से दूर ले जाएंगे। इसीलिए इंटरेस्ट को ठीक करने के लिए सेल्फ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेंटोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये बात याद रखिएगा, कोई ना कोई आपके पास मेंटोरशिप होना चाहिए। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आप देखिए, आपके सामने एक कहानी अर्जुन की है, एक कहानी दत्तात्रेय की है। मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन के बारे में दो कहानियों पर आपका फोकस ले जाना चाहूंगा। पहली कहानी में आपको दत्तात्रेय की सुनाना चाहूंगा। दत्तात्रेय एक बार जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि एक व्यक्ति है वो मछली पकड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि भाई मैं वहां जाना चाहता हूं, कृपया मुझे वहां का मार्ग बताइए। उस व्यक्ति ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने फिर दोबारा पूछा, उस व्यक्ति ने फिर ध्यान नहीं दिया। उसे तीसरी बार पूछा, उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो जब दत्तात्रेय चलने लगे तब तक मछली उसके हाथ में आ गई थी। जैसे ही उसने मछली को पकड़ के बाहर निकाला तब उसने पूछा, हाँ बताइए आप क्या जानना चाहते थे। तो दत्तात्रेय उनको बोलते हैं, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, क्योंकि जिंदगी में मैंने आप ही को देखा कि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो गया आपने अपने ध्यान को किसी दूसरी ओर जाने ही नहीं दिया। तो दत्तात्रेय ने उन्हीं को अपना गुरु मान लिया। दूसरी कहानी हमने अर्जुन के बारे में सुना है कि अर्जुन से जब पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है तो उसको चिड़िया भी नहीं, चिड़िया की आंख दिख रही थी। और उसकी वो शिक्षा उसको कहां पर काम आई, जब वो द्रौपदी को जीतने के लिए मछली की आंख में तेल में देख करके तीर चलाने का काम किया गया। सो हर एक एकाग्रता जो भी कोई इंसान सीख रहा है, एकाग्रता सबके पास है। सवाल उसके इंटरेस्ट का है कि वो उसे सीखना किस स्तर पे चाहता है। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एम आपके इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं और आप इंफॉर्मेशन भी अपने एम के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो सवाल मेरा इतना है आपके साथ में कि कॉन्सेंट्रेशन ठीक करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट को ठीक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ठीक करना है तो इंफॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन को भी चेक करने से पहले आपको अपना लक्ष्य चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आप किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं। और उसके लिए सेल्फ काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी, अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि मेरे जीवन में जो मैंने लक्ष्य बनाया है वो लक्ष्य पाने के लिए मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर पे ज्यादा फोकस करूं या लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस पे। सो सी योर प्रायोरिटी। आप अपने बच्चों से भी ये सवाल पूछें, उन बच्चों से जानें कि बच्चों आप सिर्फ जो करना चाहते करिए, लेकिन आप अपने आप सवाल पूछिए कि अगर आपके इंटरेस्ट वही रहे जो आपके इंटरेस्ट हैं और आपका ध्यान वहां पे ही रहा जहां पे रहा, तो आपके जीवन में क्या सदा काल की खुशियां रहेंगी या पल भर का सिर्फ एक झूठा एंटरटेनमेंट रहेगा। सो मैंने यही चीज करके, बेनिफिट्स को फोकस करके अपने कॉन्सेंट्रेशन को ठीक किया। जहां तक बात रही मेडिटेशन की, अभी आपने, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। तो अब आप, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा ही 100% होती है तो वो कैसे बढ़ेगी। सो फिर मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका मेडिटेशन एक अच्छा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, आप राजयोग का सही से अभ्यास करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूंगा आपको मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन बेसिकली माइंड की एक्सरसाइज है। जैसे शरीर की एक्सरसाइज करने के लिए आप जिम में जाते हैं, और क्या जिम में जाने से वो आपके शरीर में शक्तियां डाल देता है? नहीं, वो शक्तियां आपके शरीर में हमेशा से होती हैं। वो उन शक्तियों को आपके सामने बाहर प्रत्यक्ष कर देता है बाय यूटिलाइजिंग द प्रोसेसेस। इन द सेम वे माइंड की सभी शक्तियों को बाहर निकालने का तरीका मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या कर रहा है, वो माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, वो माइंड की डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, वो माइंड की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, वो माइंड के इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा है। बेसिकली हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और मेडिटेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो साइलेंसिंग कर देता है आपके माइंड को, आपके माइंड को पीसफुल स्टेज में ले जाता है, जिससे कि आपकी माइंड की क्रिएटिविटी इंक्रीज कर जाती है, उसकी डिसर्न पावर इंक्रीज कर जाती है, उसकी डिसीजन टेकिंग पावर इंक्रीज कर जाती है, और आप ये समझ पाते हैं कि आपके जीवन के लिए लाभदायक क्या है। मैं आपको बता दूं, सही गलत कुछ नहीं होता है, सवाल यह है कि आपके और आपके अपनों के लिए ज्यादा लाभदायक क्या है। आप जब उस चीज को अपना एम बना लेते हैं, उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अपनी लाइफ में जाने देते हैं, तो आपके इंटरेस्ट राइट हो जाते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज फॉलो द इंटरेस्ट।
और आप समझ लीजिए जब आपके इंटरेस्ट ठीक हो जाएंगे आपकी एकाग्रता वहीं लगेगी जहां पे आप चाहते हैं। तो सवाल ये है, आप बस इतना सा चेक करें कि मेरी एकाग्रता कहां पर है, एंटरटेनमेंट में या राइट कैरियर में। बस जब आप ये डिसाइड कर लेंगे ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। आई होप कि मैं शायद आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ। मिला, थैंक यू।